ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे हैं, क्या मजबूर, क्या समस्या है? आज ये यहाँ लगभग पिछले 2 महीने से जो है प्रीपेड के बूथ के नाम पर जो है जीआरपी पुलिस का सिपाही जो आता अजय नाम का, वो जो है 100 रुपये या 200 रुपये जिससे ज़्यादा चाहता उससे पैसे मार ले लेता है। और लोग कहते हैं किस मत में ले रहा, तो बोले प्रीपेड का मत में ले रहे हैं। और जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, उनके पास में सब मारपीट और गाली गलौज हर काम करता है। इस तौर पर सब लोग परेशान हो गए। तो इस बात पर हमने उन्होंने जीआरपी इंस्पेक्टर से हमने बात की कल, तो उन्होंने कहा कि जो है हमने कहा ये अगर तरीका है आपका कि कहीं की भी गाड़ी आ जाए उससे 200 रुपये ले लो, आप घर बैठ जाओ। इससे क्या हो रहा है कि कई सवारियों को जो है ऑटो चालक जो बाहर के हैं या कहीं के दूसरे जो है वो सवारियों को लूट लेते हैं, या कुछ सवारियाँ ऐसी आती हैं जो यहाँ पैसेंजर बन के आती हैं और बाहर को ले जाकर ड्राइवर को मार देती हैं और गाड़ी लूट के भाग जाती हैं। 15 दिन पहले एक गाड़ी लूट गई है यहाँ से। हमारा कहना था कि यहाँ प्रीपेड बूथ तरीके से लागू करें जिससे सवारी और ऑटो चालक दोनों की सुरक्षा हो सके। और इस तरह से जो आप 100 रुपये 200 रुपये वसूल के घर में बैठ जाते हैं, तरीका आपका सही नहीं है। ये जो पैसे ले रहे हैं ये जायज़ है नाजायज़ है? प्रीपेड ये प्रीपेड बूथ के नाजायज तरीके से हैं, क्योंकि प्रीपेड बूथ की जो तरीका है उसके तहत बूथ बना होता है, कोई सवारी आती है। आप वो चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि प्रीपेड बूथ जो है तरीके से लागू हो, कोई सवारी बुक करके ले आए, बूथ पे जाए, वहाँ पर पेमेंट जमा करे और एक रसीद दे सवारी के लिए, वो सवारी अपने स्थान पर पहुँच जाए, उस रसीद पर हस्ताक्षर कर दे, वो सवारी वो रसीद ऑटो चालक बूथ पर आए, वहाँ से अपना पेमेंट ले ले। जो पैसे ले रहे हैं वो अवैध वसूली है? हाँ, वो अवैध वसूली इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई बूथ के नाम पर पैसे जो है वो ऑटो चालक से लिए जा रहे हैं, जबकि बूथ पर सवारी से पेड होता है वहाँ। जी है, नारे लगा दो यार। इनकलाब जिंदाबाद।